बाउंसर फेंकने वाले असदुद्दीन की क्रिकेट पिच से निकलकर सियासी पिच तक पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ओवैसी 2 साल तक लंदन में रहे। खानदान के पास पैसे की कमी नहीं थी, मगर ओवैसी ने पढ़ाई का खर्च नौकरी करके खुद उठाया। एक वक्त ऐसा भी था जब असदुद्दीन ओवैसी असेंबली में 4 लाइन का भाषण भी पर्चा देखकर पढ़ते थे, जीते और सिर्फ 25 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए। असेंबली में पर्चा देखकर पढ़ने वाले वही ओवैसी आज हिंदुस्तान के सबसे फायरी स्पीकर हैं। आप देवबंदी है, बरेलवी है, तबलीगी है, अहले हदीस है, शिया है, मैदवी है, मगर सब यहाँ पर बैठे हुए क्यों बैठे हुए? कि दिल का मामला है बास, दिल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हम किसी और मसले पे इख्तलाफ कर सकते हैं और हो भी होगा, मगर जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आएगा तो सब बोलेंगे नहीं भाई, सर झुका के आएंगे।